नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। चीन द्वारा नया आधिकारिक नक्शा जारी कर पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर क्षेत्रीय दावा करने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है, भारत सरकार को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नया नक्शा जारी किया गया है उसे सुधार करें। प्रदेश शुरू से भारत का हिस्सा रहा है और भारत सरकार चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नक्शा जारी किया है उसमें सुधार करे। जो लाल आग दिखाने की बात कही गई थी आज दिखाई देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश शुरू से भारत का हिस्सा रहा है और भारत सरकार चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नक्शा जारी किया है उसमें सुधार करे। चीन सरकार द्वारा जारी किए गए चीन के मानक मानचित्र 2023 संस्करण पर कर्नाटक के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सालों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है लद्दाख में एक इंच जमीन नहीं गई वो झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने अतिक्रमण किया है। ये मानचित्र मामला बेहद गंभीर है, उन्होंने जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। मैं तो सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में एक इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। वहीं मंत्रालय में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बात करते हुए कहा कि वो किसानों को मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने उनकी दादा भूसे के साथ बैठक हुई है। 15 दिनों में उनकी समस्याओं की समीक्षा और समाधान निकाला जाएगा। दूसरा वार रूम में भी कई जो प्रकल्प है, मेट्रो के है, फ्लाईओवर के है, रोड के है, हमारे मिट्टी रिवर के है, मुंबई की ट्रैफिक के है, इस पे भी चर्चा हुई है। टाइम बाउंड प्रोग्राम को करने के लिए निर्देश दिए हुए। ये वार रूम के मीटिंग के वजह से बहुत ही फायदा होगा मुंबई और राज्य के लोगों को। आज जो किसानों ने आंदोलन किया है, किसानों को बुलाया था मैंने, और हमारे दीपक कपूर जो है, दादा भूसे, इनके साथ चर्चा बैठक हुई है। एक 15 दिन के अंदर पूरी तरह उस उनके जो मुद्दे हैं, उनके प्रश्न हैं, उसका आड़ावा लिया जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा, उसमें से रास्ता निकालेंगे। दूसरा वार रूम में भी कई जो प्रकल्प है, मेट्रो के। जातिगत जनगणना पर केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जहां तक हलफनामे की बात की है तो बीजेपी के लोगों का असली चेहरा उजागर हो गया है। रातों रात हलफनामा बदल दिया गया है। इससे पता चलता है कि भाजपा डरी हुई है, वे कभी जाति आधारित गणना नहीं चाहते। बीजेपी किससे डरती है, क्यों हलफनामा दाखिल किया गया है? लगातार होता ही रहता है, कौन सी बड़ी बात है। जो होगा उसका जवाब दिया जाएगा, उसमें तो सब लोगों को पता है कि किस संदर्भ में हमने बात कही है। तो हम लोगों का जो है कोर्ट के मामले में, कोर्ट में जो है हम लोग जवाब देंगे। और जहां तक जो एफिडेविट का मामला है, जो बीजेपी के लोगों का असली चेहरा जो है उजागर हो गया, आप बताइए, रात भर में एफिडेविट भी बदल दिया जाता है। यानी ये साफ दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है और कभी भी नहीं चाहते थे कि जातीय आधारित जो है गणना हो, जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार के लोग करा रहे हैं। आप बताइए, अगर सामाजिक आर्थिक
अगर डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अगर ईबीसी के लोगों का हम पता चलेगा कि कौन गरीबी रेखा के अंदर है, कौन सी जाति, कौन सा वर्ण, कौन सा वर्ग, तो ये तो सारा गिनती तो होगा ही ना, तब ना पता चलेगा कौन कितना गरीब है। उसी के हिसाब से जो है डायरेक्ट जो है उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम सरकार बनाएगी, योजना बनाएगी। अब जो गरीब है आर्थिक रूप से, जो पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनका हकीकत पता चलेगा, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो बीजेपी को डर किस बात का है भाई। तो रात भर के अंदर जो है एफिडेविट बदल गया गया। तो सवाल ये है कि एफिडेविट किया क्यों गया, ये तो शुरू दिन से ही हम लोग कह रहे थे कि भाई सेंसेस का अधिकार जो है वो भारत सरकार को, इसलिए हम लोग कास्ट पे सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है। अगर इतना ही है तो भारत सरकार को बोलिए संविधान में संशोधन करके जो है राज्यों को दे दें। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की जानकारी देते हुए कहा कि घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, लेकिन रेट कम होने से उन्हें भी फायदा होगा। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब कुल 400 रुपए प्रति सिलेंडर की बचत होगी। On the auspicious occasion of Onam and Raksha Bandhan, Prime Minister Narendra Modi, as is known as Bhai Narendra Modi, has given a gift to the millions and millions of sisters and the users of the LPG cylinders. The prices of the LPG gas cylinder for the domestic use has been brought down by 200 rupees per cylinder for each and every user. At the same time, there will be 75 lakh new gas connection will be given under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana scheme. That will take up the total connections to 10.35 crore in the coming days. For the Pradhan Mantri Ujjwala gas beneficiaries, they are already getting 200 rupees subsidy as a DBT on each refill, but they will also be benefited with the decrease in the rate, in the gas cylinder rate, by 200 rupees. That means the rate reduction for the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana will be 200 rupees plus 200 rupees as subsidy, making it 400 rupees per cylinder. वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद आतंकवादी संदिग्धों और आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने वाले लोग सहित असामाजिक तत्व राज्य में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने कुछ बयानों से उन्हें प्रोत्साहन दिया है। Terror suspects, sleepers and financing the terror activity has increased in Karnataka. Because change in government, they feel very safe. All these anti-social elements feel very safe in Karnataka. Therefore, they get encouraged with the certain statements made by these leaders and they try to take shelter here. But however, NIA is at it and our police is also doing good job because earlier, we had put up a special team for that, and that team is working. वहीं केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंद्रयान की सफलता पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। कैबिनेट भारतीय वैज्ञानिकों के इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंद्रयान 3 की सफलता की तारीफ की। पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। केंद्रीय कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है। कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है।
यह सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। कैबिनेट इसरो के इस प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों की वजह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर उतरना, और वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। समाधान के लिए 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे कदम उठाए। उज्ज्वला सिलेंडर 3600 रुपए भारत सरकार खर्च करती है, और लगभग 9 करोड़ 60 लाख बहनों को बगैर कोई पैसा लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी दिया, और उनको कुकिंग गैस का एक सुविधा भी दी, धुएं से मुक्ति भी दी, स्वास्थ्य का लाभ भी दिया। 12 करोड़ शौचालय बनाकर खुले में शौच करने से मुक्ति दी, और इज्जत घर हमारी बहनों ने उसको नाम दिया। पानी की समस्या से दूर करने के लिए अब तक 13 करोड़ घरों में नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है, बहनों का समय उस पर भी बचा। 4 करोड़ बहनों को अब तक परिवारों को पक्के मकान बनाकर दिए, और लखपति दीदी 4 करोड़ से ज्यादा बहनों को बनाने का कार्य हुआ। जब कोविड का समय आया तब भी 80 करोड़ लोगों को जहां पर अनाज 2.5 साल तक बिल्कुल मुफ्त में दिया जरूरतमंदों को, वहीं पर 20.5 करोड़ बहनों को 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में सीधा मदद के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया, और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे, उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे उनको लाभ मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखें, हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की। जब दुनिया भर में दाम बढ़े, अगर मैं सऊदी सीपी की बात करूं, अगर एलपीजी सिलेंडर को लेकर, तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई। उस समय भी दुनिया भर में 303% की वृद्धि। चीन सरकार के चीन के मानक मानचित्र के 2023 संस्करण पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन को जो क्लीन चिट दी थी, उसके बाद पिछले हफ्ते हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति के प्रति उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बुरा लगा। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री उनके सामने हाथ बांधे खड़े हों, इससे हम दुनिया को अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन खत्म होते ही चीन ने नक्शा जारी किया, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया। अगर नेहरू ने चीनी दावा रेखा मान लिया होता तो 1962 का युद्ध नहीं हुआ होता। युद्ध हुआ और भले ही हम युद्ध हारे, लेकिन हमने चीनी दावा रेखा को स्वीकार नहीं किया। आज हम बिना युद्ध लड़े चीनी दावा रेखा को स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो क्लीन चिट दी थी चीन को, उसके बाद अभी पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी ब्रिक्स समिट पे अपने चीनी राष्ट्रपति के सामने, वो देखकर बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ऐसे आगे हाथ बांधकर खड़े रहेंगे, ये अच्छा संदेश नहीं भेज रहे हम विश्व को। और देखिए, जाते ही ब्रिक्स के खत्म होते ही ये मैप आ गया जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना दिखा रहा है। नेहरू जी 1959 में अगर चाइनीज क्लेम लाइन मान लेते तो 1962 का युद्ध ही नहीं होता। उन्होंने नहीं मानी, युद्ध लड़े हम हारे, लेकिन हमने ये बात नहीं मानी कि चाइनीज क्लेम लाइन को हम स्वीकार कर दें। आज तो हम बिना युद्ध लड़े चाइनीज क्लेम लाइन को मान रहे हैं। आप
इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते जिस सरकार में जयशंकर जी अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहते हैं कि चीन तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जो क्लीन चिट दी थी चीन को, उसके बाद अभी पिछले हफ्ते साउथ रायबरेली में जिलाधिकारी महाराष्ट्र वास्तव के निर्देशन पर रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में फूड विभाग की टीम ने शहर के लगभग आधा दर्जन मिठाई की दुकानों में छापेमारी की। फूड विभाग की टीम के पहुंचते ही मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान सौरभ स्वीट हाउस कारखाने के अंदर से खोए में चूहा और दूध में मरी हुई मक्खी मिली। सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानदार को कड़ी फटकार लगाते हुए दुकान में रखे सामान को फेंकने का आदेश दिया। वहीं बीच शहर में स्थित गोपाल रेस्टोरेंट नरेश स्वीट्स हाउस में छापेमारी के दौरान बड़ी अनियमितताएं मिली। इसके बाद दुकानदारों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि नोटिस का जवाब न देने पर सभी दुकानों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज कुछ दुकानों पर जो है रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत और कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत जो है कुछ दुकानों पर जो है जांच किया गया। वहां पर से जो है खोए का सैंपल लिया गया है और कुछ मिठाइयां जो है अखबार में लिपटी हुई भी पाई गई हैं, उनको सख्त हिदायत दिया गया है कि इस तरह के काम न करें। और सैंपल कलेक्ट किया गया है, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है, अगर नमूना फेल होगा तो कार्रवाई की जाएगी। कुछ दुकानों में चूहे भी खोए के ऊपर चूहे मिले हैं। हाँ, ये हाँ, दुकान पे गए थे वहाँ पे जो है, तो वो जो है उन्होंने खराब मटेरियल रख रखा था, वहाँ पे जो है मक्खियाँ और चूहे इस तरह से थे, तो उनको हिदायत दिया गया है कि कोई भी खराब मटेरियल अपने दुकान में रखें और तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कराए। तो अपने सामने हम लोगों ने उसको जो है डिस्ट्रॉय करा करके जो है उनको ले। अगली खबर पटियाला से है, जहां थाना कोतवाली नौ की पुलिस की तरफ से अपनी भाभी का कत्ल करने वाले देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए वरुण शर्मा आईपीएस एसपी पटियाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 27 अगस्त की शाम को एक व्यक्ति ने अपनी भाभी का कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। इस मामले की सूचना पाकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राणी जिहड़ी आ इहदे दो दिओर ने, छोटे जिहे घर च सारी फैमिली रहिंदी। जिहड़ा कातल आ दिओर उहदे अपनी इस भाबी नाल उहदे गैर समाजिक रिश्ते जिहड़े आ उह बणे। पिछले 4-5 साल तों इलिसिट रिलेशन जिहड़े आ चलदे रहे। जदों कुछ समय पहलां उस लेडी ने इहनू रोकण की कोशिश की थी, इह उह अपनी उस लेडी तों खुंदक रखण लग पिया। उदण जिदण यह कतल होया, बड़ी बेरहमी नाल पहला वो कमरे च गया, उत्थे इन्हां दी बहस हुई, चाकू दा वार उहदे ढिड च कीता, उहदे बाद उहदी ही चुन्नी नाल उहदा गला घोट के ते उहदे मूँह च जिहड़ी सल्फास भी पाई, मतलब ये इन्हें इंश्योर किया कि चाकू भी मारिया, गला भी घोटिया ते उहनूं सल्फास भी खिलाई। ते जदों सानूं इतलाह मिली ते इमीडिएटली एस पी डी हरबीर सिंह अटवाल, DSP नाभा दविंदर अत्री, SHO कोतवाली नाभा हैरी गोपा राय ये मौके पर पहुंचे। सुनीता राणी जिहड़ी आ इहदे दो दिओर ने, छोटे जिहे